हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये एक जो वीडियो अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ दिस वीडियो इज़ ऑन एन आर्टिकल जो द हिंदू बिजनेस लाइन में आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा ठीक है uh, 17th ऑफ मे के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आपको मिलेगा हिंदू बिजनेस लाइन के अंदर बेसिकली दिस आर्टिकल इज अबाउट कि एग्रीकल्चर में जो ड्रोन्स हैं उनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है कैसे वो फार्मर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा और क्या चैलेंजेस हैं बेसिकली ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये इतना ज़्यादा आपके लिए प्रीलिम्स पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो अगर ई के बच्चे इसको स्किप करना चाहें तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं कोई इशू नहीं है उसमें लेकिन ये जो लेक्चर है वो सिविल के बच्चे जो हैं आई के बच्चे यू पी के बच्चे वो मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आर्टिकल मुझे ऐसा लगा पढ़ करके कि किसी यूपीएससी की प्रिपरेशन जिसने की हुई हो उसने इस आर्टिकल को लिखा है मतलब जो हम एक आंसर राइटिंग में प्रोसेस रखते हैं इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन प्रॉपर उस वे में इस आर्टिकल को डिज़ाइन किया गया है और बहुत इजी लैंग्वेज में इसको डिज़ाइन किया गया ठीक है सजेशंस भी दिए गए हैं प्रॉब्लम्स के साथ सजेशंस भी बताए गए हैं कि दिस शुड बी डन ओके तो एक आइडियल आंसर राइटिंग के लिए मटेरियल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पता चलता है कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है किस तरह से आंसर का फ्लो चलना चाहिए तो बहुत एक अच्छा आर्टिकल है और इंटरव्यूज वगैरह में अगर इस तरह की नॉलेज आपको काफ़ी ज्यादा हेल्पफुल रहती है तो पहले ही बता रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के लिए इसको मत देखना तो अगर आपको लगे कि सर इससे कोई एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा तो वो नहीं सॉल्व होगा लेकिन यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का एग्जाम सी डी एस एनडीए सी ए पी एफ इन सब एग्जाम्स में कहीं ना कहीं जब आपका पर्सनल इंटरव्यू वाला जो स्टेज आता है वहाँ पर भी आपको काम ही आएगा तो शुरू करते हैं तो ये एडिटोरियल था बेसिकली फार्मिंग द पोटेंशियल ऑफ ड्रोन्स ओके बहुत अच्छा आर्टिकल जो है मुझे लगा इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी जिसको मैं कहूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर राइटिंग ठीक है इसमें बताया है कि इंडिया के पास हाईएस्ट एरेबल लैंड है ग्लोबली अराउंड 155 मिलियन हैक्टेयर्स का ओके okay, उसके बाद इंडिया का अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर देखें अराउंड 19 लाख ,00 करोड़ या 265 बिलियन ,00 डॉलर्स का बिजनेस जो इंडिया का 18 परसेंट है जीडीपी का वो एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है ठीक है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया के एक मेजर सेगमेंट को अराउंड हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो देख रहे हो ये एक तरह तरह से आपके आंसर का इंट्रोडक्शन है ओके okay? इस इस तरह के पॉइंट्स आप अपने अगर कोई एसे राइटिंग है फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के ऊपर कोई थीम के ऊपर आपका एसे राइटिंग आ जाए तो वहां पर भी काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा ठीक है थीके? साथ ही ये भी बता दिया कि इंडिया में एरेबल लैंड भी है इंडिया अच्छा खासा जो जीडीपी में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर मेजर पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है लेकिन इंडिया में कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं देखो कितना ब्रीफली दो लाइनों के अंदर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को डिफाइन कर दिया इंक्लूडिंग लो पॉवर्टी अन इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग साइज लैंड होल्डिंग साइज़ हमारे यहाँ पर छोटा है सब ऑप्टीमल इनपुट यूज एफिशंसी इनपुट यूज एफिशेंसी चाहे वो पेस्टिसाइड्स की है इंसेक्टिसाइड्स की है सीड्स की है वाटर की है वो हमारे यहाँ पर एफिशियसी नहीं है बायोटिक लॉसेज हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन है हमारा एग्रीकल्चर नहीं है अभी तक तो देख रहे हो दो लाइन के अंदर अंदर चैलेंजेस भी बता दिए ठीक है तो ये आपका आंसर का इंट्रोडक्शन तैयार हो गया ओके अब आप सब जानते हैं सरकार ने कहा है कि फार्मर इनकम हमें डबल करनी है दो तक ठीक है तो ऑथर क्या कहता है कि अगर इंडिया चाहता है अपने चैलेंजेस को देखते हुए हमने देखा अभी पीछे बहुत सारे चैलेंजेस हैं मैकेनाइजेशन नहीं है सब ऑप्टिमल लैंड होल्डिंग है एफिशिएंसी नहीं है इनपुट यूज में ठीक है तो इन सबको अगर आपने uh, टैकल करते हुए फार्मर की इनकम को डबल करना है तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज कि एग्रीकल्चर को मैकेनाइज बनाया जाए एग्रीकल्चर में जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज है हैं व्हाट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज यूजिंग द थिंग्स यूजिंग इनपुट विद ठीक है अगर मैं ड्रिप इरीगेशन की बात करता हूँ ड्रिप इरीगेशन किस चीज का एग्जाम्पल है ड्रिप इरीगेशन जो है प्रोसीजन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है वी आर यू आर डायरेक्टली गिविंग द वॉटर टू द प्लांट्स जहां पर उनको सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है उसमें वेस्टेज नहीं हो रहा सेलिनाइजेशन भी नहीं होगा सॉल्ट uh, का सॉरी uh, सैंड का जो आपका सॉइल है उसका सेलिनाइजेशन sal नहीं होगा ऑल राइट right. तो इस तरह की रिक्वायरमेंट है अपने को टेक्नोलॉजी लेकर के आनी है प्रिसीजन टेक्नोलॉजी लेकर के आनी है जिससे हम फार्म फार्मी को इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें ठीक है और मार्केट इंफॉर्मेशन जो है वो भी फार्मर्स के पास तभी पहुंच पाएगी जब अगर आप टेक्नोलॉजीज लेकर के आओगे डिजिटल बनाओगे फार्मर्स को अपने ऑल सो ड्रोन ड्रोन यूज इट इज ऑल्सो वन सच टेक्नोलॉजी विच कैन यू नो रेवोल्यूशनलाइज द फार्मिंग इंडस्ट्री इससे क्या होगा एक तो आपका जो प्रिसाइज एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ प्रिसीजन एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है उसके अंदर ये हेल्प करेगा ठीक है क्रॉप्स को मॉनिटर करने के लिए हेल्प करेगा ये फार्मर की एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा फार्मर की सेफ्टी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा और ओवरऑल कॉस्ट कम करने में भी हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें कैसे होंगी अभी हम देखेंगे जब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एडवांटेजेस क्या है ऑफ यूजिंग ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर उससे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल एग्जाम्पल की तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ये कोई नया यूनिक आइडिया लेकर के आया है कि भैया एग्रीकल्चर में ड्रोन को यूज करेंगे काफ़ी देश जैसे चाइना जापान एशियान कंट्रीज जो है आपकी यूएस ब्राजील जैसी जो कंट्रीज हैं ये ऑलरेडी ड्रोन्स को एग्रीकल्चर में जो है यूज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है ठीक है प्रायोरिटाइज कर दिया इन्होंने बोथ रेगुलेटरी एंड के ऊपर और स्ट्रक्चरल एंड के ऊपर कि कैसे जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाया जा सके एग्रीकल्चर के अंदर ठीक है तो इंडिया को भी अभी इसमें लीड जो है वो लेना होगा अब बात करते हैं कि ड्रोन एग्रीकल्चर में हेल्प कैसे करेंगे देखो स्टेप स्टेप बाय सब कुछ चल रहा है एक है एक प्रॉपर आंसर राइटिंग की वे में ठीक है? तो सबसे पहले सॉयल एंड फील्ड प्लानिंग में ये हेल्प करेगा सॉयल एंड फील्ड प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगा एक प्रॉपर एनालिसिस हो जाएगा ड्रोन्स के थ्रू ड्रोन्स के ऊपर वीडियो कैमरास एंड कैमरा सब लगा होगा तो उस एनालिसिस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का आपको इरिगेशन सिस्टम यूज करना है फर्टिलाइजेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए ठीक है जी न्यूट्रिएंट लेवल क्या है सॉइल का आप वो जज कर पाओगे मॉइस्चर कंसंट्रेशन कितनी है उस एरिया में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंसंट्रेशन कितनी है सॉइल की मॉइस्चर कंसंट्रेशन कितनी है ये सब पता चल जाएगा वहां पर जो सॉइल है वहां पर सॉइल इरोजन कितना है ये सब पता चल जाएगा तो प्रॉपर आप प्लानिंग के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि इज दिस लैंड फिट फॉर एग्रीकल्चर एंड इफ इट इज फिट फॉर एग्रीकल्चर व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड ठीक है किस तरह का एग्रीकल्चर आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्रॉप को मॉनिटर करने में काम आएगा ठीक है अब इंडिया जो है एक डिज़ास्टर के हिसाब से हम कंट्री को देखें तो इंडिया इज अ वेरी डिजास्टर प्रोन कंट्री ठीक है मानसून में हमारे यहाँ पर जो है फसलें खराब हो जाती हैं अर्थक्वेक आ गया अलग अलग तरह के डिजास्टर्स है फ्लडिंग हो जाती है ओके okay, तो डिजास्टर प्रोन कंट्री है अपना अब ऐसे डिजास्टर प्रोन कंट्री में जो आपका क्रॉप जो क्रॉप के ऊपर सर्वेलेंस रखना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है अब सिर्फ नेचुरल में तो ये आ आ गया गया चलो अर्थक्वेक और ये सब तो फ्लडिंग वगैरह पेस्ट अटैक भी इसके अंदर आ गया तो बायोटिक और ए बायोटिक दोनों फेस करने पड़ते पर, हैं क्रॉप को तो अगर आपके पास ड्रोन है जो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं सर्वेलेंस रख रहे हैं क्रॉप के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार अब जैसे लोकस्ट अटैक हुआ था ठीक है लोकस्ट अटैक हुआ था बहुत सारी फसलें खराब हो गई थी तो अगर अपने पास ड्रोन्स वगैरह होंगे प्रॉपर सर्वेलेंस मेंटेन रखेंगे तो अपने को पहले से पता चल जाएगा कि इस तरह का कोई अटैक होने वाला है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखो एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे जो है स्ट्रेस इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या पता एक फार्मर रिकग्नाइज ना कर पाए उस स्ट्रेस इंडिकेटर को ऑल बट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उस स्ट्रेस इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करके ऑलरेडी जो है वो मिटिगेशन uh, की तैयारी वो कर सकते हैं ओके द डाटा जनरेटेड थ्रू सच सर्विलेंस कैन हेल्प साइट स्पेसिफिक एग्रोनॉमी अब आपने ड्रोन्स यूज किए आपको पता चल गया कि एक कोई पर्टिकुलर रीजन है वहां पर जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको ये ये थ्रेट्स वो फेस करता है ठीक है तो आपको पता चल गया कि थ्रेट क्या फेस करता है तो उस हिसाब से आप अपनी एग्रोनॉमी जो है उसको प्लान करोगे कि क्या जो है बेस्ट यूज रहेगा क्या इनपुट्स आपने यूज करने हैं ठीक है ठीके? और कैसे जो है क्रॉप को सेव किया जा सकता है तो सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ आप यहाँ से बढ़ेंगे ठीक है जी उसके बाद आ जाता है क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पेस्ट्स एंड डिजीज क्रॉप मॉनिटरिंग में ही क्रॉप सर्विलेंस में भी ये भी हो जाएगा उसके साथ साथ आप ड्रोन्स के थ्रू प्रिसाइज अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड एंड डिजीज कंट्रोल प्रोडक्ट्स जो है उसको यूज कर सकते हैं ठीक है के साथ अभी क्या होता है जनरली फार्मर्स जो है वो खुद जाकर के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं स्प्रे okay? है, करते हैं लेकिन ड्रोन में आप जो है, ड्रोन में होगा इंसेक्टिस करना है एक पर्टिकुलर रीजन में इतना करना है दूसरे रीजन में इतना करना है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप इतना इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है इतना बीडिसाइड स्प्रे करना है ठीक है तो वो एक तो यहाँ पर प्रिसीजन आ गई अगेन प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ चले गए दूसरा आपने न्यूजपेपर्स में बहुत बार देखा होगा इंडिया में क्या होता है बहुत सारे फार्मर्स की डेथ हो जाती है िकॉज ऑफ द इनहेलेशन ऑफ इंसेक्टीसाइड और पेस्टिसाइड वो क्या कर रहे होते हैं वो क्योंकि मैनुअली स्प्रे करते हैं इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो कई बार क्या होता है वो इनहेल कर लेते हैं बिकम अनकॉन्शियस एंड अल्टीमेटली अगर किसी को ना पता चले या टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले इट लीड्स टू डेथ आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं ठीक है तो अगर आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वेडिसाइड्स इन सब के स्प्रे के लिए या जो भी डिजीज़ कंट्रोल स्प्रेज है उनको करने के लिए तो उस केस में जो एक्सीडेंटल एक्सपोजर जो हो रहा है फार्मर को जिसकी वजह से काफ़ी डेथ भी हो जाती है वो भी आप कम कर हो जाएगी ठीक है और इफेक्टिवनेस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और राइट right. उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की अब अगर आप ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हो ड्रोन्स को आप किस लिए यूज़ कर रहे हो ड्रोन्स को आप सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ कर रहे हो और ड्रोन्स को आप किस लिए यूज कर रहे हो ड्रोन्स को आप जो है स्प्रेंग परपज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हो अब इंडिया में एक प्रॉब्लम और क्या आती है जब एग्रीकल्चर सीजन आते हैं ना तब लेबर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है ठीक है लेबर एक्सपेंसिव हो जाती है लेबर मिलती नहीं तो अगर आप ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हो मैकेज सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हो सर्वेलेंस के लिए स्प्रिंग जैसे कामों के लिए तो अल्टीमेटली लेबर के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा सबसे पहले तो ठीक है जी क्योंकि अब जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर वगैरह सब स्प्रे करने का काम है वो ड्रोन करेंगे उसके लिए आपको लेबर की जरूरत नहीं है और फार्मर की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी ठीक है फार्मर की प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ जाएगी बिकॉज यू कैन डू अदर वर्क साथ ही साथ जो ड्रोन हैं वो एज कम्पेयर टू अ ह्यूमन बींग अगर सिंगल ह्यूमन बींग स्प्रे कर रहा है इंसेक्टिसाइड उसको ज्यादा समय लगेगा ड्रोन जो हैं वो काम जल्दी कर देंगे ठीक है तो क्रॉप कवरेज भी बढ़ जाएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर एक किसान के पास दस एकड़ जगह है और वो एक दिन में एक ही एकड़ कवर कर पाता है जो ड्रोन है वो दस के दस एकड़ कवर कर देगा इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देगा उनके ऊपर तो एक तो कवरेज बढ़ गई ऊपर से रिस्क कम हो गया ठीक है नहीं तो क्या आपता दसवें दिन तक वहां तक पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर कोई इंसेक्ट अटैक हो जाता और राइट right, उसके बाद फार्मर का काम भी कम हो गया तो फार्मर का काम कम हो गया तो उसका टाइम बचा तो वो और एक्टिविटीज कर सकता है अब सरकार कहती है कि डबल करने के लिए फार्मर इनकम जो फार्मर है उसको और एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होना चाहिए लाइक एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री फार्म खोल ले वो छोटा सा एक ठीक है एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती है तो वो उनके लिए टाइम दे पाएगा क्योंकि उसके ऊपर जो है वर्क प्रेशर लेबर प्रेशर कम हो गया ओके okay, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई अल्टीमेटली विच विल अगेन हेल्प इन डब्लिंग फार्मर्स इनकम नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू सर्विस मॉडल अब देखो ये ड्रोन वगैरह की एप्लीकेशन जब इस्तेमाल होनी शुरू होगी अब फार्मर को आप इतनी ये नहीं सोच सकते कि इतनी एक्सपर्टाइज उसको है कि वो ड्रोन खुद से यूज कर सके ठीक है ड्रोन यूज करना है डाटा भी कलेक्ट होगा फिर उस डाटा को एनालाइज भी करना है एग्रीकल्चर इनपुट्स फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है वो भी सब काम करना है तो एक फार्मर अकेला ये सब नहीं कर सकता विद करंट लेवल ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग्स ओके और स्पेशलाइजेशन भी चाहिए होती है इसमें सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं होती अब अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ भी तो मुझे अगर कोई ड्रोन उड़ाने को कहे तो मैं नहीं उड़ा पाऊंगा उसके लिए मुझे पहले ट्रेनिंग प्रॉपर लेनी पड़ेगी ओके okay? तो न्यू सर्विस मॉडल में क्या होगा जो कंपनीज होंगी जो इनपुट प्रोवाइड कर रही हैं जैसे फर्टिलाइजर हो गया या ड्रोन्स प्रोवाइड कर रही हैं वो कंपनीज क्या करेंगी वो ड्रोन ऑपरेटर्स रखना शुरू कर देंगी ठीक है अल्टीमेटली ये ड्रोन ऑपरेटर्स का काम क्या होगा ये क्रॉप प्रोटेक्शन क्रॉप न्यूट्रिशन ये सारी चीजें करा करेंगे सर्विलेंस वगैरह प्रोवाइड किया करेंगे प्रॉपर जिससे फार्मर्स को फी फार्मर्स से एक फी लेकर के मंथली या एनुअल फी लेकर के वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा करेंगे सो so बेसिकली क्या होगा इससे इकोनॉमी में और भी ज्यादा जो है इफेक्ट्स आने लगेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स आने लगेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स आने लगेंगे एक सेक्टर इकोनॉमी का दूसरे सेक्टर्स को बूस्ट करने लगेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी इससे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया आप कंपनीज अगर काम करेंगी दे विल हायर पीपल और रूरल एरियाज में वो देखेंगे कि हाँ यार गांव का ही किसी पढ़े लिखे इंसान को हायर कर लेते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर के उनको स्पेशलाइज स्किल सेट दे दिया जाएगा कि हाँ भैया आप ड्रोन ऑपरेट करें सो अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू द ऑथर ये एस्टिमेट है

फायदे हैं तो फायदों के साथ साथ थोड़े चैलेंजेस आएंगे उनको भी आपको डील करना पड़ेगा सबसे पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में कोई भी पॉलिसी की बात होती है तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पॉइंट तो आई जाता है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा ठीक है अभी तक तो अपने पास कोई गाइडलाइंस ही नहीं है कि हम ड्रोन ऑपरेशन कर सकें एग्रीकल्चर के अंदर तो ऐसी कोई आप प्रॉपर गाइडलाइंस लेकर के आए सरकार ओके उसके बाद अब देखो पेस्टिसाइड अगर आपने स्प्रे करना है तो यू कैन नॉट ग्रांट एवरी पेस्टिसाइड द परमिशन उसको आप ड्रोन्स के थ्रू स्प्रे कर सको क्योंकि कई पेस्टिसाइड्स ऐसे हो सकते हैं जिनका हार्मफुल इंपैक्ट हो सकता है एनवायरमेंट के ऊपर या मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं फॉर विच यू कैन नॉट यू नो अलाउ अ पर्टिकुलर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और इंसेक्टिस टू बी यूज्ड थ्रू विद द हेल्प ऑफ ड्रोन क्योंकि ड्रोन अगर ऊपर से आसमान के ऊपर से स्प्रे करेगा हाइट के ऊपर से स्प्रे करेगा तो वो उसका जो एरिया ऑफ स्प्रेड होगा वो ज्यादा होगा एंड इट कैन बी डेंजरस फॉर सम स्पीशीज एज वेल ओके तो इस केस में आपको क्या करना है जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स या वीडीसाइड्स जो फ्री और जो फिट हैं टू बी यूज पर्टिकुलर ड्रोन आप उनके ऊपर लेबलिंग वगैरह जो है उनको प्रॉपरली टाइमली अप्रूव कीजिए क्विक अप्रूवल उसको दीजिए ताकि ड्रोन का इस्तेमाल भी आगे बढ़ सके देखो ड्रोन का इस्तेमाल तभी बढ़ेगा ना जब आपके पास ऐसे पेस्टिसाइड होंगे ऐसे इंसेक्टिसाइड होंगे जिनको आप ड्रोन से स्प्रे कर सकते हो ठीक है अभी अगर ऐसे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ही नहीं है तो किसान कहेगा फिर ड्रोन से हम सिर्फ सर्वेलेंस के लिए क्या इस्तेमाल करें इसका समझ रहे हो तो ये भी बहुत जरूरी है उसके बाद लिमिटेड फ्लाइट टाइम एंड रेंज अब एक ड्रोन है नॉर्मल जो ड्रोन है वो टिपिकली टू सिक्स मिनट्स के लिए जो है आपका फ्लाई कर सकता है हम बात कर रहे हैं भाई सर्वेलेंस भी करनी है हम बात कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे करेंगे ठीक है हमने तो बहुत सारे सपने सजा लिए पर ये बेचारा इतनी देर चलेगा ही नहीं बैटरी डाउन हो जाएगी फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा और ऐसा तो नहीं है मोबाइल चार्ज करने जैसा तो नहीं है ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा अगर बार बार चार्जिंग वगैरह आपको करना पड़ेगा तो ये भी ज़रूरी है कि रिसर्च किया जाए सरकार कंटिन्यूसली रिसर्च कर रही है और इस रिसर्च को फास्ट फॉरवर्ड किया जाए ताकि हाइयर रेंज बैटरीज डेवलप की जा सकें जो लो वेट के अंदर भी जो है गवर्नमेंट जो ड्रोन को ज्यादा लंबे समय तक फ्लाई करने में हेल्प करें और इसके लिए सरकार का जरूरी है कि वो सपोर्ट करें ठीक है ऐसे इनिशिएटिव्स को जो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में काम कर रहे हैं उसके बाद वायबल कॉमर्शियल मॉडल देखो अब हमने इतनी सब बात तो कर ली लेकिन अब किसान तो इंडिया में पहले गरीब है मेजोरिटी कोई दिल पर मत लगाना अगर कोई किसानों की ये गरीब बोल रहा है देखो फैक्ट्स हमें एक्सेप्ट करने चाहिए ठीक है गरीब में भी दर्म में यू मे फील कि ये टर्म थोड़ी सी डिग्रेडिंग uh, है पर डिग्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं होता ठीक है मैं खुद भी गरीब हूँ है ना मैं अपने आप को भी गरीब बोलता हूँ दुनिया में हर कोई गरीब है इट इज़ द ओनली द ऑल माइ टी वू इज रिच ठीक है बाकी हम सब गरीब हैं ठीक है थीके? तो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है हमारे देश में फार्मर्स मेजोरिटी फार्मर्स ठीक है तो वो ऐसा तो नहीं है कि आज जा के कोई किसान के गला ड्रोन खरीदते हैं नहीं ऐसा नहीं होता ठीक है और जो कंपनीज हैं हमने कहा कि भाई एक पूरा मॉडल डेवलप होगा जिसमें इनपुट कंपनीज हैं वही इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगी और फार्मर से फी लेकर के जो है उनको सर्विसेज देंगी लेकिन कंपनी को भी तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ड्रोन लेकर के आने पड़ेंगे कनेक्टिविटी इंश्योर करनी पड़ेगी ऑपरेशनल कॉस्ट है उसके लिए उनको लोग भी हायर करने पड़ेंगे ओके स्मॉलर फार्म होल्डिंग्स को कैसे सर्विस प्रोवाइड करानी है ये भी देखना पड़ेगा तो इसके लिए शुरू में सरकार को जो है इंसेंटिव देने पड़ेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रोन जो है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है कोई कमर्शियल ड्रोन के अंदर तो उसके ऊपर जीएसटी इनकम कर दें। ट्रेनिंग सरकार उसमें कुछ हेल्प कर देमर्शियल तो मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर इन्वेस्ट करने की जो है वो तैयारी करें ओके एंड अल्टीमेटली फाइनली विल कंक्लूड मैंने कंक्लूजन जो आर्टिकल का पार्ट था उसको यहां पर नहीं डाला सो so अल्टीमेटली Uh, there are some challenges and but the benefits are huge and ultimately the usage of drone in the agriculture sector must be encouraged समझ रहे हो तो यहां पर एक प्रॉपर आपका जो है सिस्टम आपको पता चल गया तो अगर इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे कोई पूछ लेता कि हाँ यार बताओ एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी से कैसे हम मदद कर सकते हैं आप ड्रोन का एग्जांपल लेके बता देना सर ये पर हम इसमें मदद कर सकते हैं जस्ट एन एग्जाम्पल वो उसके पास वो आपको ये नहीं कहेगा कि पचास तरीके बता अगर आपने ड्रोन वाला बता दिया और उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया आ मजा आ जाएगा ठीक है सिमिलरली इज इन योर आंसर राइटिंग आर यू गेटिंग माई पॉइंट चलिए तो इस छोटे से लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे ये आर्टिकल्स ऐसा नहीं है अब आप कहो कि सर कोई नई सीरीज शुरू हो रही है क्या जिसमें हम आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं ठीक है थीके? ऐसा अभी कोई नई सीरीज नहीं शुरू हो रही है अगर मुझे ऐसा कोई आर्टिकल अच्छा लगता है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कई बार वो आर्टिकल्स मैं आपके साथ एम जब डिस्कस कर रहे होते हैं हम डेली करंट अफेयर वाले उसी में डिस्कस कर देता हूँ पर इसके ऊपर कुछ एम ऐसा बनाने वाला मेरा मुझे लगा नहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ड्रोन पॉलिसी एंड ये सब के ऊपर अगर एम बना दें तो वो अलग बात है पर अगर ऐसे कोई आर्टिकल्स आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो सपोर्ट के लिए कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स uh, अपने पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हो या मेल कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो ऑल राइट चलिए एंड चैनल को शेयर जरूर करना है आपने लाइक like जरूर करना है सब्सक्राइब जरूर करवाना है फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय